अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा का आज आखिरी दिन है। अपने पद से विदा होने से पहले बराक ओबामा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान ओबामा ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी के लिए मोदी को धन्यवाद कहा। व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि ओबामा ने फोन पर पीएम मोदी से बात की और उन्हें उनकी साझेदारी के लिए थैंक्स कहा। साथ ही ओबामा ने दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए की गई साझा कोशिशों की समीक्षा करने के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही साल 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनकर भारत आने वाले अपने दौरे को याद करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के गणतंत्र दिवस की भी बधाई दी। आपको बता दें कि कल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं बराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में विदाई से पहले लोगों के लिए भी एक संदेश जारी किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के आगामी प्रशासन में अमेरिकियों को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वह देश के बुनियादी मूल्यों को खतरा पैदा होने पर आवाज़ उठाएंगे। ओबामा ने कहा कि वह अब लेखन को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहेंगे और अपनी बेटियों और पत्नी मिशेल ओबामा के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे। तो अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बराक ओबामा ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। यहाँ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच 8 बार मुलाकात हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। और अब ट्रंप युग की शुरुआत होने जा रही है। देखना होगा कि ट्रंप का भारत के प्रति क्या रवैया रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।